वेलकम टू नीरज अरोरा रिफ्लेक्शंस। आज मैं आप लोगों से फिर से एक बार प्रोडक्टिविटी के बारे में बातचीत करूंगा। आप लोगों के साथ क्या ऐसा होता है कि जब आप सुबह उठते हैं फुल मोटिवेटेड होते हैं और शायद एक आधा टास्क बहुत अच्छी तरह से अपना एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद के जो टास्क हैं वो एग्जीक्यूट करने में आपको दिक्कत आती है। एक टास्क बड़े अच्छे से होता है और उसके बाद फ्लो नहीं बन पाता है। और स्पेसिफिकली मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो किसी प्रेशर में काम नहीं कर रहे हैं, जो अपने हिसाब से जो है आगे बढ़ रहे हैं, राइट, फ्रीलांसर्स हैं या फिर स्टूडेंट हैं जिनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, जिनसे कोई अब वो किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं रहे एज सच, तो उनको बड़ी दिक्कत आती है कि भाई पहला टास्क बहुत अच्छी तरह से किया लेकिन जो उसके बाद दूसरा टास्क था उसके बीच में ब्रेक के लिए उठे पहले टास्क के बाद और फिर वापस ही नहीं आए, वापस आए तो बहुत देर बाद आए। ऐसा होता है कि नहीं होता? पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना ये बात। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मैं आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन बताता हूँ आपने क्या करना है। आपने सिंपली जब आप अपने फर्स्ट टास्क के बाद उठ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, ब्रेक ले रहे होते हैं, उससे पहले 5 मिनट लगा के दूसरे टास्क को लिख लेना है, उसके बारे में बेसिक थॉट बना लेना है, मूड बना लेना है, माहौल बना लेना है, राइट, उस टास्क को जान लेना है कि क्या करना है, राइट, और उसे लिख लेना है कि भाई अब मैं नेक्स्ट टास्क जो है ये शुरू करूंगा और इतने बजे शुरू करूंगा। जितनी सर्टेनिटी से आप ये लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप उसके बारे में सोचेंगे, आप मेरी बात को मानिए, उतना ही ज़्यादा जल्दी आप वापस आएंगे और उतने ही अच्छे से आप उस टास्क को फिर एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट टाइम जब आप एक टास्क छोड़ के उठ रहे हो, दूसरे टास्क पे जा रहे हो, तो आप एक काम करिएगा, आप जल्दी से अपने दूसरे टास्क के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट लगा के सोच लीजिएगा, लिख लीजिएगा, उसका टाइम सेट कर लीजिएगा और जल्दी वापस आ जाएंगे आप लोग, पक्की बात है, राइट। एक बात, दूसरी बात आप लोगों को मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको दिक्कतें आती हैं फोकस करने में, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने में, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं जान पाऊँ कि आपको कहाँ कहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं और फिर आपके साथ बैठ के उन प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशन बनाना चाहूँगा, राइट। और एक बात और, skill91.com जरूर विजिट करें, उसके एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप जरूर डाउनलोड करें। वहाँ पे 6 अगस्त तक जो है वो सेल चल रही है, 20% ऑफ है, यू कैन यूज़ द कोड ओवर, प्रोमो कोड है ओवर, चेकआउट कर समय से ज़रूर यूज़ करें, लगभग 6 दिन बचे हैं तो पूरा फ़ायदा उठाएं। वहाँ पे आप इन्वेस्टिंग के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, एक्सेल के बारे में, बहुत सारे और कोर्सेज भी हैं जैसे कि ब्लॉकचेन, लिंक्डइन के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप एक्चुअली में सीख सकते हैं और सीख के जीत सकते हैं, राइट। तो skill91.com ज़रूर विजिट करें और प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें। With this note, guys, thank you very much. Stay connected, stay ahead. Jai Hind. और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद. Bye bye and take care. God bless you all. खूब productive बनो, खूब आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो. God bless.